माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए है, ठीक है। हिंदी में जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी में, ठीक है, जो आप लोगों के महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश है, संस्कृत का पद्यांश है, सभी महत्वपूर्ण जीवन प्रचय निबंध, साथ में पत्र लेखन, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने ये सारा टॉपिक जो मैंने बताया और आपने याद कर लिया ना, तो हिंदी में आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, इतने सारे टॉपिक एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लॉन्ग हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की ऐसे ही तैयारी होने वाली है। और वे क्वेश्चंस बताएंगे ना जो पेपर में डायरेक्ट हिट करेगा, मतलब पेपर में ये 100% आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है। अगर हिंदी में आपको टॉपर बनना है, 95 लाना है और अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप लोगों को ये तैयार करना है। देखो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आता है वो 6 नंबर का आता है, यानी कि 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सारा करा देता हूं। 6 नंबर आपका गद्यांश सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखो, गद्यांश को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर हम गद्यांश को सॉल्व कैसे करें। भाई, गद्यांश में है क्या, सबसे पहले हमें ये बताओ। देखो, गद्यांश बहुत ज्यादा आसान होता है, 6 नंबर समझो आपका फिक्स होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर में ट्रिक मिल जाएगा, मित्रता चैप्टर में मित्रता ट्रिक मिल जाएगा, ममता में आपको ममता ट्रिक मिल जाएगा, भारतीय संस्कृति में संस्कृति हर जगह लिखा रहता है ट्रिक मिल जाएगा, हर एक चीज में आपको ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां सबसे पहले ये देखने के बाद आप इसको ध्यान से पढ़ो, जितना ध्यान से हो सकता है उतने ध्यान से पढ़ो। माइंड में बस एक टारगेट होना चाहिए, हम गद्यांश को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आप लोग सफल होंगे, वरना आप लोग देखो सबसे पहले इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, संगति का मतलब क्या होता है, मित्र, ठीक है, संगत का मतलब मित्र के साथ रहना, यदि बुरी होगी तो वह उनके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुरे लोगों के संगति में रहता है, तो वो जो है वो भी बुरा हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाएगी। चक्की का मतलब है जब पैर में बंध जाएगा, ना वो आगे जा पाएंगे और हाँ वहीं वो नष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, चक्की के समान हो जाएगी। या फिर अब देखो, उसे दिन पर दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, औन्नति का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है, औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि उसकी जो संगति है वो अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो आपको सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको सहारा मिलेगा और आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहोगे, आपको मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे दोस्त मिले होंगे, कुछ ऐसे मिले होंगे जो आपको बिल्कुल से बर्बाद कर देंगे, कुछ ऐसे मिले होंगे जो आपके लिए ऐसे ऐसे काम को बताते हैं ताकि आप और भी आगे जाओ, ठीक है। तो देखो, जो अच्छे फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है, वो आपके साथ मजाक करें तो आप उसको बिल्कुल सीरियसली मत लो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है। एंड अब देखो, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति, अगर आपका जो मतलब मित्र व्यवहार एंड आपकी संगति अच्छी है ना, तो वो आपको निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा उन्नति करोगे। ये पढ़ लिया। अब देखो मेन क्या है, सबसे पहले ये पाठ का नाम पता चल गया ना, संगति का मतलब होता है मित्र, मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा,
ध्यान रखना, पेपर देकर आओगे कहोगे सर आया यही था, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए इसी लिए करा देता हूं। अब ये समझ में, अब रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो, यहां से यहां तक सबसे पहले ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये भी दो नंबर का आता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। अब इसमें आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला यही पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, ये आपका दो नंबर का है, ठीक है। एंड फिर आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो, दो नंबर का। तीसरा है ईवा पुरुष की संगति के बारे में लेखक ने क्या कहा, ये भी दो नंबर का। मतलब छह नंबर का तीन क्वेश्चन रहेगा, छह नंबर देकर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे संदर्भ का। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालो, अगर आपको बच्चों पाठ का नाम सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ। अगर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता है तो संदर्भ लिखने में क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता तो डायरेक्टली आप हेडिंग डालो पाठ का नाम, लेखक का नाम, आपको नंबर मिल जाएगा। या फिर आपको मैं जिस तरह बताता हूँ वैसे लिखना, आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, मतलब फुल में फुल एक भी आधा भी नंबर कटने का चांस नहीं होगा, ठीक है। लिखो प्रस्तुत, ध्यान से देखना, यही संदर्भ आप हर जगह लगा सकते हो। प्रस्तुत जो आपका गद्य अवतरण है, केवल पाठ का नाम लेखक का नाम चेंज करो, सेम संदर्भ, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चैप्टर का लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझना। अभी आप लोगों के पास समय है, पढ़ाई कर लो, ठीक है, वरना फिर टाइम निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमारी पाठ्य पुस्तक, ये कौन सा पाठ्य पुस्तक है, हिंदी है ना, सभी को पता है, तो हिंदी लिख दो, हिंदी, ठीक है, के गद्य खंड, हिंदी का ये कौन सा है, गद्य खंड में संकलित। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, मित्रता ना, सभी को पता है, तो बस मित्रता। अगर आपको विधा पता हो कौन सी विधा है तो अच्छी बात है, वरना मित्रता पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। ये ऐसे आप लिख देना, हर एक चैप्टर का ऐसा लिख सकते हो, आपको दो नंबर मिल जाएगा। केवल पाठ का नाम चाहिए, लाइक आपका जयशंकर प्रसाद का, तो लिखो प्रस्तुत गद्य अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में मित्रता की जगह ममता पाठ से लिया गया है। बस क्या है, कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। दूसरा हमारा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, दो नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो। कुसंग का ज्वर, कुसंग का मतलब होता है गलत, यानी कि गलत का मतलब होता है आप गलत दोस्तों के साथ रहो, आपकी संगत बुरी हो, ठीक है, वो होता है। का ज्वर सबसे भयानक होता है, जो कुसंग होता है, बुरे लोगों का संगति जो होता है बहुत ज़्यादा भयानक होता है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर से आप खत्म हो जाओगे, ठीक है, ध्यान से समझो। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये आपके जो मतलब सोच है उसको बदल देगा, सारे गंदी गंदे सोच आएंगे एंड आपकी बुद्धि का भी क्षय कर देगा, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर आप गलत दोस्त के साथ रहते हो तो अभी छोड़ दो, वरना आगे इतना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको लिख कर समझाता हूँ, वैसे तो आप समझोगे नहीं, ठीक है, लेक्चर से देखो। रेखांकित अंश की व्याख्या समझो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना। अब लिखो, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान है। जो बुरी संगति होता है, जो लोग बुरे होते हैं, अच्छे लोग अगर बुरे लोग के साथ मैं कहता हूँ 10 दिन रह लेना तो वो भी बुरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि होता नहीं कि संगति का असर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और देखो, घातक बुखार के समान क्या है, हानिकारक होता है या होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार कभी कभी प्राण भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार जो बुरी संगति है हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है, और कभी कभी जो व्यक्ति होता है वो समझ नहीं पाता और अपनी जान भी दे देता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईवा पुरुष की संगति जो है के बारे में क्या कहा गया है, तो यहाँ आ जाओ, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा रखा है। देखो, जो ईवा पुरुष है कि बुरी संगति उसे औन्नत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। औन्नत का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है,
और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो अब अगर आप इतना लिख दोगे भैया, दो नंबर यहां से मिल जाएगा, दो नंबर यहां से मिल जाएगा और दो ही नंबर आपको यहां से भी मिल जाएगा, मतलब छह नंबर क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। गद्यांश आपको ये तैयार कर लेना है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझ लो और इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो गद्यांश मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हमारा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा बुक लिया, बहुत सारे गाइड लिए, तो हमें ये गद्यांश और ये पद्यांश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिला, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल सीरियसली तैयार करना, नोट्स बना लेना और उसको आप पढ़ना, तैयार करना, याद करना। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज ला रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि तभी आप लोग सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है, अब यहां देखो पद्यांश जो है लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वर्ष मूल कम लाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन से रिलेटेड है ये। ठीक है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कहने का मतलब है कि जब आपके पास या आपके यहाँ धन रूपी, ठीक है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल यानी कि धन रूपी जल के बढ़ जाने, अगर आपके यहाँ बहुत सारे पैसे हो जाएं, आपके धन इतना बढ़ जाए कि आपके पास बहुत पैसे हो जाएं, तो फिर क्या कहता है कि मन सरोज बढ़ जाए, तो आपका मन भी बढ़ जाता है। पहले जो काम 100 रुपये में होता था, आज आप जाते हो 2-3 हज़ार का फाइव स्टार होटल में खाना खाते हो। ठीक है, तो आपके पास धन बढ़ेगा तो मन भी बढ़ जाएगा, जैसे कमल होता है ना, वो जल, जल में जब कम जल बढ़ता चला जाता है तो कमल का जो डंठल है ना, ऐसे जो तना होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब धन कम हो जाता है तो इच्छाएं कम नहीं होती हैं, क्योंकि आपकी इच्छा आपका खाने का तो वही मन करता है, आप कुछ कहीं से भी लाओगे वही खाओगे, क्योंकि आपने वो बहुत दिन से खा रखा है। तो आपका धन बढ़ेगा, मन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब धन घट जाएगा तो मन नहीं घटेगा, तो आपका क्या होगा, आप दुख के मारे हो जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए पैसे ज़्यादा हो जाएं तो भी आप बचा कर रखो, आगे काम आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे वर्ष मूल को मिलाए। अब हम लोग भैया समझते हैं सबसे पहले इसका संदर्भ। संदर्भ बहुत आसान है, जैसा मैंने गद्यांश का बताया है वैसे ही पद्यांश में भी है। लिखो प्रस्तुत दोहा, ये एक दोहा है, या फिर पद्यांश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर काव्यखंड लिख सकते हो। प्रस्तुत दोहा, इसके जो राइटर हैं या फिर कवि हैं, कविवर बिहारी जी हैं। कौन है? कविवर बिहारी लाल। कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई, याद रखना, ठीक है, काम आएगा। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ये हिंदी है ना, तो हिंदी लिख दो, हिंदी के काव्यखंड। क्या है? काव्यखंड, ठीक है, में संकलित। तो भक्ति नीति अलग अलग शीर्षक है, तो भक्ति नीति दोनों लिख दो, या फिर ये हमारा नीति शीर्षक से है। ठीक है, नीति शीर्षक से उद्गृत है या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो प्रसंग में बहुत छोटा सा लिख देना, दो लाइन। देखो क्या है कि प्रस्तुत दोहे में जो कवि है, कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। देखो जब आप लोग व्याख्या करते हो ना, तो एक छोटा सा चीज यहाँ लिख दिया करो, ठीक है, प्रसंग में मजा आता है। अब देखो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ना, सबसे पहले हमें देखो तीन क्वेश्चन इसमें पूछेगा, कौन कौन सा। पहला देखो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ व्याख्या ये करो, दूसरा
कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाया। तीसरा, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। तो एक एक को हम लोग अच्छे से समझेंगे, पहले व्याख्या समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कवि का कहना है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मारे के समान हो जाता है। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? ट्राई करना, जब धन बढ़ जाएगा तब पता चलेगा और जब कम हो जाएगा तब पता चलता है। वैसे तो भाई काम चलता है, क्या करना है। अब देखो, यहां हम लोग कमल का उदाहरण देकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो देखो, कमल का उदाहरण देकर, यहां देखो, जो कमल का उदाहरण देते हुए कवि यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने के साथ साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन के ना रहने पर बहुत कष्ट होता है। ठीक है, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ एक और है, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। देखो, सा सा दो बार आया हुआ है, एक ही वर्ड की आवृत्ति दो बार हुई है, इसलिए हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गद्यांश पद्यांश। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का गद्यांश, 5 मार्क्स का पद्यांश, 10 नंबर क्लियर कर लो फटाक से, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो, लिखा हुआ है क्या, मानव जीवनस्य संस्कृणाम अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृणाम महंतम एंड प्रयत्नम आकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्कृणाय यान आचरण विचारान च आदर्शान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृतिः। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाए, सबसे पहले आप संदर्भ देखो। ये चैप्टर का नाम बस होता है, इसमें ना लेखक का नाम होता है ना कवि का नाम होता है, केवल चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, भारतीय संस्कृति, भाई संस्कृत में भी हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर है, याद रखना। तो इसमें आपको लिखना क्या है, बहुत ज्यादा आसान होता है इसमें। तो भैया, प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना सा आपको लिखना है, जो हमें संदर्भ लिखना है। प्रसंग में क्या है, इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय संस्कृति है उसका जो स्वरूप है और उसका जो महत्व है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो संदर्भ और प्रसंग लिखने के बाद सबसे मेन होता है व्याख्या। जहां बच्चों को होता है प्रॉब्लम, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, एक दो चैप्टर तैयार कर लो, वाराणसी चैप्टर, भारतीय संस्कृति, ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो ग्रामीणा वाला चैप्टर भी तैयार कर लो। आपको संस्कृत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा अगर आप 2-3-4 चैप्टर पढ़े हो। देखो, पढ़ लो, एक दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको संस्कृत के पाठ पढ़ने में एक दिन लगेगा। अगर अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपना माइंड जो है वो उसी चैप्टर पर रखो तब, वरना माइंड अलग टहल रहा है, पढ़ अलग रहे हो, दिमाग अलग है, खेल अलग रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता काम। ठीक है, अनुवाद देखो, मानव जीवन को संवारना और महत्व पर प्रकाश डाला गया, ये मैंने अपने तरफ से जोड़ा है, डायरेक्ट यहाँ से आओ। मानव जीवन को संवारना यानी कि दोष को दूर करना, जो मनुष्य के अंदर दोष होता है उसको दूर करना संस्कृति है, हमारी संस्कृति है भाई। मानव जीवन को संवारना संस्कृति है, उनके जो दोष है उसको दूर करना हमारा कल्चर है, संस्कृति है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमसे पहले दादा परदादा ये सब, वो हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जीवन में अच्छे रहन सहन हो, ठीक है, और अच्छे जीवन को व्यतीत किया जाए, उसके लिए बहुत महान, बहुत बड़े बड़े प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारों के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया है, वह हमारी संस्कृति है। उनके जो आचरण है, उनके जो विचार हैं, वही हमारी संस्कृति है। आजकल के तो बहुत सारे लोग आगे निकल गए हैं। देखो, ये हमारा संस्कृत का गद्यांश है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्कृत के गद्यांश में बहुत ज्यादा आसान होता है, आई होप कि हिंदी वाला जो गद्यांश होता है उससे भी ज्यादा आसान संस्कृत का गद्यांश होता है, हमें तो यही लगता है, अगर मुझे पढ़ाने में तो यही लगता है। ठीक है, मैंने भी पढ़ा है। तो ये संस्कृत का गद्यांश आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान भी है। अब हमारा आता है संस्कृत का पद्यांश।
क्या आता है? देखो मैं आप लोगों को एक पद्यांश पढ़ाऊंगा भैया, इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है पूरे बुक में। मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि 3 पद्यांश तैयार कर लो, आपका काट नहीं पाएगा एग्जामिनर नंबर। अब कहोगे कौन कौन से, सामने लिखा हुआ है, पढ़ लो, ठीक है। पहला, मरणम मंगलम यत्र विभूषति भूषणम कैपीन यत्र कैसे सह काशी के निमिहते। वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बंदनम मरणम यप जयो यप प्राजया उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो मतलब दूसरा भी आपको मैं एक पढ़ा दूंगा। चलो मैं आप लोगों को यही पढ़ा देता हूँ दूसरा, ठीक है, ये मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन अभी एक और देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे है ये, तो आई होप कि सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, बहुत बार पढ़ा रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागा भवेत्। तो ये हमारा तीसरा है, ये 3 आप तैयार कर लो, 5 नंबर आपका, 5 अंक आपका कहीं नहीं गया है, ये ध्यान रखो कहीं नहीं गया है, समझो बिल्कुल आपका रखा है, फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, आप जाओ और उठा लो बस, ठीक है, बस तैयार तो करो। अब देखो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, क्या देखेंगे, संदर्भ। देखो प्रस्तुत श्लोक जो है, ये जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो संदर्भ में कुछ नहीं है। मैं दूसरा देखो ये वाला करा रहा हूं, वंदनम मरणम यपि जयोपि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता वाला, ठीक है। तो संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरह वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया, किससे लिया गया है, वीरह वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चलो ठीक है। अगला आ जाओ, प्रसंग देखो, इसमें सिकंदर और पुरु राजा के संवादों द्वारा वीरता का वर्णन किया गया, जो सिकंदर जी हैं और जो पुरु राजा हैं उनके जो संवाद हैं, संवादों द्वारा वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है, वीरता। व्याख्या देखो, बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन का मतलब होता है एक साथ बंधना, ठीक है, मरण का मतलब होता है मृत्यु प्राप्त करना। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, चाहे बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर जो होता है समान रहता है। वीर भाव ही वीरता कहते हैं, वीर की जो भाव होती है उसी को वीरता कहते हैं। वीर कभी डरते नहीं, चाहे वो मरने से नहीं डरते। तो चाहे बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, जो दोनों अवस्थाओं में जो वीर होते हैं वो समान होते हैं, और वीर जो होते हैं वो भाव ही वीरता कहते हैं, ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब हम जीवन, देखो जीवन परिचय मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है और सबका अलग अलग भी पढ़ा रखा है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार बार बार पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, और भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखो महत्वपूर्ण जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहला आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। दूसरा जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो, ये दोनों हमारे गद्य के हैं, क्या हैं, इनकी रचनाएँ भी थोड़ा पढ़ लेना गद्य के, और 5 अंक आपका पक्का हो गया, पक्का हो गया ना, आप वादा करो कि 2 दिन में तैयार कर लोगे, क्योंकि भाई तैयारी करना है हमारे साथ तो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको करना पड़ेगा। 2 दिन में भाई 2 नहीं तैयार कर सकते हो, 1 घंटा लगेगा, आप 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। एक जीवन परिचय 10 मिनट लगता है तैयार करने में, लेकिन अगर आप आधा घंटा ले लो तो भी कोई बात नहीं। फिर आपका सूरदास जी का कवि में, तुलसीदास जी का कवि में, महादेवी वर्मा का कवि में, ठीक है, तो ये 3 आपको तैयार करना है पद्य खंड में, ठीक है, 5 अंक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो 5 अंक आपका गद्य खंड में क्लियर हो जाएगा और 5 ही अंक आपका पद्य खंड में क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता दूं, अभी हम आपके सामने हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर पत्र लेखन पर वीडियो बनाइए, मैंने ऑलरेडी पत्र जो इंपॉर्टेंट पत्र है उस पर वीडियो बना दिया है, आपने नहीं देखा है देख लो, जल्दी से देख लो, अभी आपके पास बहुत कम समय है, तो आप वो 4 ऐसे पत्र हैं जो मैंने बना रखा है, सर्च कर लो पत्र लेखन बाई सरमन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। और आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन देखेंगे, कैसे लिखना है, कैसे लिखें पत्र ताकि हमारा 4 में 4 नंबर फिक्स हो जाए, एक भी नंबर एग्जामिनर ना काट पाए। देखो हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लाए है भाई आपके हिंदी के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा जरूर। देखो
बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। बिजली समस्या जो होती है, बिजली समस्या को निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, लेकिन डैश लगा देना, बिजली विभाग यहाँ भी डैश लगा देना, फिर मेरठ जो भी आपका जिला हो, मैंने एग्जाम्पल के लिखा है। अब विषय हमारा ये है कि बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब समय पर बिजली नहीं रहती है, अनियमित रहती है, कोई पता नहीं रहता है, ठीक है, और आती भी नहीं है बिजली। फिर मान्यवर लिखना, जैसा बता रहा हूँ वैसे। हम रामनगर कॉलोनी के निवासी, अपने मन से लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट किताबी भाषा छाप देते हैं, विद्या की भाषा छाप देते हैं, गाइड की भाषा छाप देते हैं, क्यों? आपके पास माइंड नहीं है, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, आपके पास इतना माइंड है कि आप खुद से लिख सकते हो, बहुत आसान है। देखो इसमें मैंने क्या अपने मन से लिखा है, हम रामनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस समय ग्रीष्मकाल है, गर्मी का दिन है, भरपूर गर्मी हो रही है, बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, बिजली जीवन जो है कि मूलभूत आवश्यकता है, बिजली जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया बिजली की समस्या को ध्यान दें और शीघ्र समाधान कराएं, बिजली आपूर्ति सही कर दें, शीघ्र कार्यवाही की आशा हम करेंगे। हम आपके रामनगर कॉलोनी के निवासी, दिनांक डाल दो, बस हो गया। क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है भाई। पत्र लेखन मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है, मेन ये इतना आप जान जाओ कि हमें कैसे लिखना है, ये बस ऊपर वाला सिस्टम और नीचे तो आपको भर भर के बना बना के लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा पत्र लेखन है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा निबंध का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको देखते हैं ताकि आप लोगों का निबंध का टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। निबंध है क्लास 10 हिंदी का, जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जो प्रदूषण की समस्या है, ठीक है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इन दोनों को आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी समस्या क्या है और हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका निबंध है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध को, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, तो अगर आप जैसा निबंध लिखना शुरू करना, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डाल देना। बहुत सारे स्टूडेंट रूपरेखा हेडिंग नहीं डालते हैं, जिसको एग्जामिनर को इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कौन कौन सा हेडिंग डिस्कस किया है, और इसी हेडिंग के बेसिस पर आपको नंबर दे देता है, ठीक है। वरना एक एक अक्षर पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, तो आपका नंबर कट सकता है। तो आप लोग रूपरेखा हेडिंग डालो, और जितना हेडिंग आपको डिस्कस करना है, मान लो आपको पहले हेडिंग नहीं याद है, तो आप हेडिंग को डिस्कस कर लो, बाद में आप हेडिंग का नाम लिख दो, तीन लाइन छोड़ देना पहले, फिर आप हेडिंग को डिस्कस कर लेना। हेडिंग को आप लोग जैसे पहला प्रस्तावना तो होता ही है, लास्ट उपसंहार होता है, ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है, और रूपरेखा हेडिंग डाल देना। सबसे पहले हम इस निबंध में डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, किसका प्रस्तावना क्या है, ठीक है। फिर प्रदूषण का अर्थ, कि आखिर जो इस प्रदूषण है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, प्रदूषण के प्रकार, जो प्रदूषण है इसके प्रकार जो टाइप्स हैं उसको आपको बताना है, प्रदूषण के प्रकार। समस्या का समाधान, हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। उपसंहार, उपसंहार भी आपको लास्ट में डिस्कस करने हैं। तो ये पांच हेडिंग अगर आपने डिस्कस कर लिया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध में, तो ये 7 नंबर जो आपका है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको छोटा सा बता दूं, देखो प्रस्तावना का मतलब होता है आप उसके बारे में छोटा सा लिख दो, मतलब उसकी जो पूरी एक थ्योरी होती है उसके बारे में आप छोटा सा लिख दो, प्रस्तावना जैसे एक परिचय होता है, ठीक है। तो देखो आजकल जो आजकल है प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप देख रहे हो जो प्रदूषण है इसकी समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पर्यावरण को बचाने का। देखो पर्यावरण में, अगर आप पर्यावरण को नहीं बचाओगे तो पर्यावरण में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपका यह पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा
तो आप भी प्रदूषित हो जाओगे, क्योंकि आप पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ें खाते हो, जल भी आप पीते हो, ठीक है, तो वो भी अगर प्रदूषित हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, ये सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। देखो, पानी अगर प्रदूषित होगा तो आप पियोगे तो बीमार हो जाओगे। हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए गैस होता है, तो अगर आप हमारा ऑक्सीजन प्रदूषित हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जंगल, मिट्टी, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। प्रत्येक, देखो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इनका महत्व ही नहीं पता है, ठीक है, वो लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको क्या पता, उनको लगता है सब गायब हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, बट पर्यावरण पर बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उनको बताना जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए, ताकि वो उसको समझ सकें। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। अगर हम ये इस प्रकार का जो असंतुलन है उसको दूर नहीं किया तो ये जो मानव जीवन है, जो मनुष्य जीवित हैं, जो अच्छे से रहन सहन खा पी रहे हैं, वो बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रस्तावना है, ठीक है, मैंने बहुत ही बार पढ़ा रखा है प्रस्तावना को, और आप ये छोटा सा प्रस्तावना लिख देना, आपको भर भर के नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, इतना प्रस्तावना बहुत है, ठीक है। अगला देखो, प्रदूषण का अर्थ है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो संतुलित वातावरण होता है उसमें ही जो मनुष्य का जीवन है, यानी कि जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, आपको पता है जो पर्यावरण है उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को, संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये पर्यावरण को प्रदूषित बहुत ज़्यादा कर रही है। जैसे पहले एक घर में 5 लोग थे, तो पहले 5 लोग प्रदूषित कर रहे थे, वही घर बढ़कर 10 लोग हो गए उस घर में, तो वही 10 लोग प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, और लगातार जनसंख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि भी हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है हमारे पर्यावरण को, बहुत तगड़ा बिगाड़ कर रखती है, ठीक है। इस प्रकार हमें वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक क्रांति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और इससे मानव को संकट हो सकता है, इससे मानव जीवन में बहुत बड़ा संकट हो सकता है। तो हमें इससे बचना चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना चाहिए। जिसको नहीं पता है उसको समझाया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना डिस्कस किया, फिर प्रदूषण का अर्थ। अगला हेडिंग जो हमारा है वो है, माय डियर स्टूडेंट, प्रदूषण के प्रकार। तो अगला जो हेडिंग है वो है प्रदूषण का अर्थ हमारा हो गया, इसको आप प्रकार कर लेना, ठीक है, प्रदूषण का प्रकार। देखो, अब हम लोग प्रदूषण के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा प्रदूषण है वो कितने रूपों में पाया जाता है, किस किस प्रकार में पाया जाता है। तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण है इन रूपों में दिखाई देती है। किस रूपों में? यहां देखो, सबसे पहले हमारा का वाला वायु प्रदूषण बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। क्या है? वायु जो है वो जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक लोग हैं, अगर उनको अच्छे से जीना है, स्वस्थ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु, और शुद्ध वायु अगर होगा तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध O2 मिलेगा, अर्थात हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल जो वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, हमारे वायु होते हैं, वायु में आपका ऑक्सीजन होता है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। और जो हमारा वायु है वो बहुत सारी हानिकारक गैसों से प्रदूषित भी हो रही हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, और हमें अपने जो वायु है उसको प्रदूषण से बचाना जाना चाहिए। ये सारा मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, कोई और नहीं करता, मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। खा वाला हमारा है जल प्रदूषण। अब अगला हमारा जो रूप है वो है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है, और आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे उससे भयानक बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, और जिससे लोगों का जीवन खतरे में। देखो, जल तो बहुत सारे, देखो जीव जंतु भी पीते हैं, मनुष्य भी पीते हैं, तो सबको खतरा हो सकता है, केवल मनुष्य को ही नहीं, सबको खतरा हो सकता है। तो ये है बच्चा जल प्रदूषण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ये इन सारी रूपों में पाया जाता है, देख लो, एक एक रूप को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, फिर हमारा ध्वनि प्रदूषण है।
कि ध्वनि प्रदूषण भी आज कल एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इन सब से भैया ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्यान रखना। ध्वनि प्रदूषण जो है वो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, एक नई समस्या है। देखो, जो आजकल विज्ञान के द्वारा मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आप देखते हो जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है, आप जब सड़कों पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट पड़ेगा उससे। ठीक है, अगला देखो, रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा जो है रोगनाशक, कीटनाशक, दवा और रासायनिक खादों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो द्रव्य होता है, द्रव्यों के अलावा जो हमारा रासायनिक, बहुत सारे कीटनाशक दवाओं का यूज किया जाता है, खाद का यूज किया जाता है ताकि फसल अच्छे हों, बट कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पहले तो आपके खेत पर, आपके फसल पर अच्छा प्रभाव देगा, बट बाद में इसका जो आपके खेत पर भी दुष्प्रभाव होगा, आपके प्रदूषण जो वायुमंडल है उसमें भी इसका दुष्प्रभाव ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट रासायनिक प्रदूषण। तो ये हमारा पहला वायु प्रदूषण इसके प्रकार है, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा हम लोग रासायनिक प्रदूषण। मतलब चार रूपों में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। फिर हम लोग अगला देखेंगे जो इसके रूप है। अगला देखो हमारा है समस्या का समाधान। देखो समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे ये आप लोग समझो। देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के, देखो समस्या ये बहुत ही बड़ा है, इसको हमें समाधान करना ही चाहिए। ठीक है, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है यानी कि वृक्षारोपण। जो वृक्षारोपण है, पेड़ पौधों को लगाना, ये सबसे बड़ा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। और आजकल हमारे जो देश है इसमें पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। ठीक है, उसका मतलब जो उससे नए नए सामानों को बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत किया जा रहा है अपने वातावरण के लिए। अपने प्रदूषण को बचाना चाहिए, ठीक है, जो प्रदूषण है उसको दूर करना चाहिए ताकि हमारा जो वायुमंडल है वो बिल्कुल स्वच्छ रहे। ठीक है, वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर समाधान करना है तो सबसे पहले वृक्षों की जो अधिक कटाई हो रही है उस पर हमें रोक लगानी जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के समक्ष प्रदूषण की नई समस्या पैदा कर दी है। जो बढ़ती हुई, देखो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही अच्छी अच्छी देखो नई नई चीजों की आवश्यकता होगी, तो वृक्षों को काटकर नई नई चीजें बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारी प्रदूषण की समस्या का। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो प्रदूषण की समस्या का एक नया जो है समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। अगर आपको समस्या का समाधान ढूंढना है तो इन सबको कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण कम हो सके। बस यही समस्या का समाधान दिया जा सकता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक काम कर दो और सारा प्रदूषण खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब सारे लोग उसको खत्म करने के लिए सोचेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा 1%, 2%, 10% ऐसे करके करोगे तो कहीं ना कहीं आज तक आपका 100% प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि जो गाड़ियां हैं, मोटर्स हैं, उसको रोका जा सकता है, रोका जा नहीं सकता, तो उसमें भाई प्रदूषण तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं हम कुछ परसेंट तक प्रदूषण को कम कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उपसंहार देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जो है वो जागरूक है। क्या है जागरूक है, मतलब सोच रहा है उसके प्रति कुछ किया जाए। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया ताकि जल को साफ किया जाए। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने पर शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, तो देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान जो निबंध है, बस इतने हेडिंग डिस्कस करने थे। मैंने आपको उपसंहार में बता दिया था, लास्ट में हमारा उपसंहार ही होता है। तो हमने रूपरेखा में बता दिया था कि हमें कौन कौन से हेडिंग को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने प्रस्तावना डिस्कस किया, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। तो मतलब ये हेडिंग अगर आपने डिस्कस कर लिया तो आपको निबंध का 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 7 में 7 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश और भी आएंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध पत्र लेखन सारे टॉपिक्स को देख लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, तैयार रहना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।